तो भैया अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब जरा इस जीत के असर की बात कर ली जाए, फ्यूचर की बात कर ली जाए, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रही है वॉर और अमेरिका जैसा पावरफुल नेशन इन वॉर्स में बड़ा रोल निभाता है। तो जब वहाँ सत्ता बदल गई है तो इसराइल हमास के बीच छिड़ी जंग हो या रूस यूक्रेन के बीच, इन पर डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका का क्या असर होगा, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीतना इसराइल हमास और रूस यूक्रेन विवादों में नए मोड़ ला सकता है। ये बात इसलिए उठी है क्योंकि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पर फोकस्ड रही है, जिसमें उन्होंने दूसरे देशों के विवादों से अमेरिका को थोड़ा दूर रखने की कोशिश की। इसीलिए उनकी जीत से ये सवाल उठते हैं कि अमेरिका का रोल अब इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसा रहेगा। पहले इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई की बात करते हैं। अपने कैंपेन के दौरान ट्रंप ने हमास के अक्टूबर 2023 के हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसमें 1100 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। उन्होंने खुले तौर पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया और उनसे हमास पर डिसाइसिव जीत हासिल करने की अपील की, जहां उनके डेमोक्रेटिक विरोधी कमला हैरिस फिलिस्तीनी नागरिकों पर असर की चिंता जताती हैं, वहीं ट्रंप ने इसराइल के समर्थन में बिना किसी शर्त के खड़े रहने का दावा किया है। उनके मुताबिक इसराइल को अपने लक्ष्य हासिल करने का पूरा हक है बिना किसी बाहरी रोक के। एक्सपर्ट्स इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर इसराइल गाजा में अपने मिलिट्री एक्शंस को और तेज कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की वापसी से इसराइल को ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने का हौसला मिल सकता है, वो भी बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के। अगर बाइडेन से कंपेयर करें तो उन्होंने कई बार सिविलियन कैजुअल्टीज की वजह से इसराइल को हथियार सप्लाई धीमी कर दी थी, लेकिन ट्रंप के पिछले फैसले जैसे यरूशलेम में यूएस एम्बेसी शिफ्ट करना और गोलान हाइट्स पर इसराइल की सॉवरेनिटी को समर्थन देना उनकी इसराइल के प्रति लॉयल्टी को दिखाता है। मतलब ट्रंप के आने पर अमेरिका का रुख इसराइल के पक्ष में और भी मजबूत हो सकता है। अब रूस यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते हैं। अपने चुनावी कैंपेन में खुद को एक बेस्ट नेगोशिएटर बताते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो रूस यूक्रेन वॉर को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी, लेकिन उनके क्लोज एसोसिएट्स ने संकेत दिए कि एक सेटलमेंट में डीमिलिट्राइज्ड जोन बनाने की बात शामिल हो सकती है, जिससे यूक्रेन अपने कुछ इलाके खो देगा जिनमें क्राइमिया, लुहांस्क, दोनेत्स्क और खेरसोन जैसे इलाके शामिल हैं। ये बात यूक्रेन के रेजिस्टेंस के खिलाफ है जो किसी भी टेरिटोरियल समझौते को खारिज करता है। एज पर एक्सपर्ट्स इसका मतलब ये है कि अगर ट्रंप ऐसा समझौता लागू करने की कोशिश करते हैं तो इसमें यूक्रेन की प्राथमिकताओं से क्लैश हो सकता है। बाइडेन के प्रशासन में यूक्रेन को बहुत सारे एडवांस्ड वेपन्स मिल चुके हैं जो उनकी डिफेंस में काम आए हैं। हालांकि ट्रंप ने पहले यूक्रेन के लिए अमेरिकी सपोर्ट को लेकर डाउट जताया था, खासकर इतने बड़े पैमाने पर की जाने वाली मदद को लेकर सवाल उठाए थे। अपने पहले टर्म में उन्होंने यूक्रेन की सहायता टेम्पररी तौर पर रोक भी दी थी, जो काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बना था। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके इस पास्ट बिहेवियर से ये संकेत मिलते हैं कि ट्रंप अपने दूसरे टर्म में यूक्रेन को मिल रही मदद को घटा सकते हैं या पूरी तरह रोक भी सकते हैं, जिससे यूक्रेन की डिफेंस कमजोर हो सकती है। मतलब अगर दोनों युद्ध को कंपेयर करें तो ट्रंप की पास्ट अप्रोच को देखकर एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसराइल के मामले में अमेरिका बिना दखल दिए उसे सपोर्ट करेगा, जबकि यूक्रेन के मामले में शायद ऐसे समझौते करने पड़े जो स्ट्रेटेजिकली नुकसानदायक हो सकते हैं। बहरहाल ट्रंप के आने से यूएस फॉरेन पॉलिसी का फ्यूचर क्या होगा, अगर इसे शॉर्ट में समझना है तो ये कह सकते हैं कि ट्रंप का दूसरे देशों के विवादों में इन्वॉल्वमेंट कम करने और डील मेकिंग पर ज्यादा फोकस रहा है। अगर यही अप्रोच उनके दूसरे टर्म में भी जारी रही तो अमेरिका का रोल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स में रिस्ट्रेन हो सकता है, जिससे ट्रंप नेगोशिएशंस के लिए कह सकते हैं भले ही कंसेशंस देने पड़े। ट्रंप की वापसी से यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट देखने को मिल सकती है जो इसराइल के मिलिट्री गोल्स को सपोर्ट करती है और यूक्रेन में नेगोशिएशन फोकस्ड अप्रोच अपनाने का इशारा देती है। इसका पूरा असर ट्रंप की पॉलिटिक्स के डेवलप होते ही और भी साफ हो जाएगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज कीप वॉचिंग स्विच।